आते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस स्वागत है हमारे चैनल भुप्पू भैया ब्लॉग में। हम जा रहे हैं भाई, कुछ जाए भाई, कुंडेश्वर धाम जा रहे हैं। हाँ तो गाइस कुंडेश्वर चल रहे हैं और हम आपको बताते हैं भाई, महाकाल से मिलाते हैं डायरेक्ट। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ए गाड़ी स्टार्ट कर। मैं झुकेगा नहीं सर। देखिए दगोड़ा आ चुके हैं और भाई हम जा रहे हैं कुंडेश्वर। कुंडेश्वर में बहुत बड़ा इमाम रहता है भाई, क्योंकि कितने तेजस्वी लोग हैं यार। वाह क्या सीन है। तो गाइस घूम घाम के अपन को कैमरा चल रही है भाई, अपाचे अपाचे से चल रहे हैं भाई अपन। अपन आ चुके हैं भाई टीकमगढ़ है भाई ये। तो गाइस देखिए कितना मस्त नजारा है यहाँ का। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आई लव टीकमगढ़। तो भाई से पूछते हैं, कुंडेश्वर भाई बोल रहे हैं 6-7 किलोमीटर दूर है भाई यहाँ से। तो भाई चलते हैं कुंडेश्वर भाई, यहाँ का ब्लॉग शूट करते हैं भाई। और आप देख सकते हो और बड़ा ही माहौल है भाई यहाँ से। तो गजब बेइज्जती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखिए गाइस अंकल हमसे बोल रहे हैं कि हमारी वीडियो बना लो, तो हमने इनकी वीडियो भी बना ली है भाई। अब्बास बेटा देखिए। अरे कहना क्या चाहते हो। कुंडेश्वर हम पहुंचने ही वाले हैं भाई यहाँ से। बेसब्री से जिसको इंतजार था भाई, बस कुंडेश्वर द्वार भाई आ चुके हैं हम। वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर भाई कुंडेश्वर सरकार बसे हुए, महाकाल के दर्शन भी करेंगे भाई। तो गाइस देखिए हम कुंडेश्वर पहुंच चुके हैं भाई, देख सकते हैं आप कितना मस्त माहौल है भाई देखिए। एहे, रहा नहीं जाता। तो गाइस देखिए यहाँ पर सब लोग नहा रहे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। रुको जरा, सबर करो। ए बंदर। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। गर्मियों के हिसाब से भाई खाली हो जाती होगी नदी मेरे हिसाब से। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बंदा, देखना हमारी आंटी इनको कुछ खिला रही है। और देखिए बाप तो बाप रहेगा। आप देख सकते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं हम फाइनली मंदिर पहुंच गए हैं। और ये आप देख रहे हो जे है हमारी कुंडेश्वर सरकार, कुंडेश्वर नमः, श्री कुंडेश्वराय नमः। सॉरी गलती हो गई भाई। यहाँ पे मंदिर भाई बहुत, भाई घंटा बहुत बड़ी बड़ी लगी है यहाँ पे। We'll be right back.
तो गाइस आप देख सकते हैं भाई कितने बड़े बड़े शंख रखे हुए हैं, आप दो देखिए। ये फंस गया सी है। तो आप देख सकते हैं ये पेड़ देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है जो कि भाई मुंबई से आया हूँ, जबलपुर से रहने वाला हूँ। बॉम्बे से आयो? बॉम्बे से आया। यहाँ किस लिए आए? मेरी यहाँ ससुराल है, मेरी बेटी की भी ससुराल है। नहीं यहाँ अच्छा, अच्छा। आयो क्या बोला तूने? दर्शन करने आया भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाजी देता हूँ, आने और जाने में दोनों अच्छा, देता हूँ। तो यहाँ पर मतलब कितनी बार आ गए हो आप? अभी तो लगभग 75 से आ रहे हैं। अच्छा 75 से 25 और 23। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। महाकाल का तिलक धारण करते हैं अपने माथे पर, ठीक है गाइस चलते हैं और लगवाते हैं तिलक। तो गाइस हम खड़े हुए हैं मंदिर में, आप देख सकते हैं कितना मस्त नजारा लग रहा है भाई, इसी को बोलते हैं कुंडेश्वर धाम, ठीक है। तो हम चलते हैं और लेते हैं सिनेमैटिक शॉट, ठीक है गाइस। तो चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारे भाई कैमरामैन भाई यही था अभी जो वीडियो में कैमरा पकड़े हुआ था, तो भाई यही था कैमरामैन, ठीक है। आप देख सकते हैं जो कि पूजा अर्चना इतनी जोरदार चल रही है, भक्तजनों की भीड़ इतनी लगी हुई है भाई कि क्या ही बोले। गाइस हमको अंकल मिल गए हैं और यहाँ की डिटेल बता सकते हैं, वो बता दें क्या पे। हाँ तो अंकल यहाँ से सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले ऐसा हुआ साहब, कुंड है एक, हाँ। तो बाणपुर से एक बाणासुर की बेटी आती है, बाणपुर से हाँ। तो पूजा करने को आती और दर्शन करने आती और तो जल ऐसा हो जा तो अच्छा। फिर जुड़ जा तो जहाँ भी पहुँच जाती हो तो उनके घर करने कही तो बेटी तुम कितने जाती हो 12 बजे रात के? तो कहने लगे हम पिताजी दर्शन कर जा भोले बब्बा के, पूजा कर जा भोलेनाथ की। तो फिर उन्होंने भोले बब्बा ने कि बेटी तुम्हारे घर कन को मलाल है तो हम आप तुम्हें तो दे दर्शन सुधर सब संसार दर्शन दें ऊपर उखरे हम सब उतरे इतने बसी का थती थी खटी किन के घाय थी थी तो एक लोग करके धान कूट रही थी तो उखरी में उखरी पे भी उखरी में उखरे मूसा घलगावन में खून तो उखरी भर गई फिर डुकू पूरा ओंधा के नीचे भागी तो उतरे कही के हमारी उखरी भागी खून तो कोई का है उन्हें तो देखो आदमन ने कही के भी तो भगवान है सही बात है अब ताला भगवान ने भोले स्वयं उखरी तो फिर राजा ने चलो पता तो राजा आए राजा ने खुदवाए तो 7 जराम करी उनने पानी पाई उनने की कि हम इतने समसा के टीका मगर के ताल पे ले जाऊँ तो विराजमान करें अच्छा। तो उनने पानी पाई उनने हाथियों से तनवा खुदवाए फिर कुंड की गहराई देखी तो 7 सिमड़ियाँ गहराई में कुंड की गहराई है पानी पाई बहुत हाँ बहुत गहराई कुंड की गहराई है। फिर बस राजन ने माफ़ी मांगी कान पकड़े अच्छा। कल के भगवान हम भी ले जाएंगे फिर बस भाग गए राजा फिर इधर जो राजन की कोठी है पीछे कोठी है राजन की राजा फिर माफ़ी मांग कर भाग गए मतलब कि मंदिर निर्माण भाव हाँ मंदिर को जो उन्होंने मड़िया बनवाई राजा ने तो मंदिर छोटी मड़िया बनवाई छोटी मड़िया ये तो गाइस देख सकते हैं ये मंदिर है ना जो मंदिर छोटा था तो मंदिर फिर उन्होंने राजा ने मड़िया बनवाई फिर विराजमान हो गए भगवान के फिर तो ठीक है गाइस तो चलते हैं। और तो गाइस ठीक है तो ब्लॉग जैसा कि आपने देखा वीडियो हमारी बन गई है और इससे आगे तो भाई क्या ही बोलें हमारा भाई है ना जो नहीं सॉरी हमारा सिस्टर ही है भाई ना यही नहीं साला भाई तो हमारा यही नहीं सिस्टर है हमारी सिस्टर। तो गाइस देखिए महाशिवरात्रि महोत्सव कुंडेश्वर धाम
तो गाइस यहाँ से भी जा सकते हैं। गाइस वहाँ से भी बड़ा दरवाजा था, देखिए गाइस आप देख सकते हैं ये बड़ा दरवाजा था और ये छोटा दरवाजा है। गाइस तो यहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह की भी दुकानें लगी हुई हैं जो कि यहाँ पे, यहाँ से बस स्टैंड भी है गाइस, शायद यहाँ से ही बस स्टैंड, ठीक है गाइस। तो चलते हैं।